हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 मई के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं फटाफट, साथ के साथ में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहली न्यूज है, पापुआ न्यू गिनी एक जगह है, ये एक देश है जहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर है पीटर ओ नील। पीटर ओ नील ने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। वहाँ पर पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है इनके खिलाफ, तो इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। तो पीटर ओ नील तो पूछा जा सकता है। अभी मैं इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये हमारा प्यारा भारत, ये है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया के पास इस जगह पर है पापुआ न्यू गिनी, ये कंट्री है। तो यहाँ कंट्री के पीएम है जिनका नाम है पीटर ओनील, इन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन दे दिया है पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से। तो ये 2011 से यहाँ पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। अब इन्होंने अपनी लीडरशिप को हैंडेड ओवर कर दिया है जूलियस चान को, जो दो बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कहाँ के, पापुआ न्यू गिनी के। ठीक है, तो ये न्यूज है, न्यूज ध्यान रखनी है। और स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। ये एक आईलैंड कंट्री है। आईलैंड क्या होते हैं, जो चारों तरफ किससे घिरे होते हैं, पानी से घिरे होते हैं, उसको हम बोलते हैं आईलैंड बोलते हैं। कहाँ पर है ये, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर में। देखो यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है और यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर है ये पैसिफिक ओशियन में, ध्यान रखना। और ये कैसा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, मतलब चारों तरफ क्या है, पानी पानी है। इनकी कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबी, पोर्ट मॉरिसबी इसकी क्या है कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना, पापुआ न्यू गिनी कीना इनकी क्या है, करेंसी है। ठीक है, अब एक और, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ये भी न्यूज में रहता है बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक स्टडी क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो WWF की फुल फॉर्म वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक NGO है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। इसको फाउंड किया गया था 1961 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड और ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसका एम क्या है, सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नाम से ही पता चल रहा है, ये वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात करता है और को कहता है कि भाई जो जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे हम मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे जो आजकल हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बढ़ती हुई पॉपुलेशन का इफेक्ट उस पर ना पड़े, उसको कैसे कम कर सकते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देता है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना है, इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहा है, कंजर्व करने की कोशिश कर मतलब कंजर्व करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगला है सुधीर सुधीरमन कप 2019, सुधीरमन कप। एक तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ध्यान रखना, इट इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन। तो यहाँ एक चाइना के खिलाड़ी हैं सी यू की, इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड नंबर वन केंटो मोमोटा, ये जापान के खिलाड़ी हैं, जापान के खिलाड़ी को हरा के इन्होंने सुधीरमन कप को जीत लिया है। तो चाइना ने 11वीं बार ये ताज पहना है या 11वीं बार ये खिताब जीता है। ठीक है, किसका, सुधीरमन कप का। तो 2019 में जो सुधीरमन कप चल रहा था वो कहाँ पर होस्ट हो रहा था, वो भी चाइना में ही हो रहा था, ध्यान रखना। ठीक है, तो और इसके बारे में जान लेते हैं सुधीरमन कप के बारे में। ये 1989 में स्टार्ट हुआ था, बाइनियल का मतलब है ये 2 साल में होता है, इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो इस बार की चैंपियनशिप चाइना ने जीती है और जापान को हराया है। और ये हो भी कहाँ पर रहा है, ये हुआ था 19 मई से 26 मई के बीच में नैनिंग चाइना में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, पार्टिसिपेट कौन करता है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में जो मतलब इसके मेंबर हैं वो इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो BWF की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। 2019 में ये जो एडिशन था ये था 16th एडिशन, ध्यान रखना, सुधीरमन का 16th एडिशन था। आगे बढ़ते हैं, इंडिया महेश मंगोनकर विंस सेकिसुई ओपन किससे संबंधित है, पहली चीज़ तो ये पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है सेकिसुई ओपन। तो सेकिसुई ओपन है स्क्वैश, ये आप देख सकते हो, ये किस में यूज करते हैं, स्क्वैश एक गेम है उसमें यूज करते हैं। तो इंडिया के जो महेश हैं उन्होंने क्या किया है, जीत हासिल कर ली है 2nd टाइम, कौन से गेम में, स्क्वैश वाले गेम में। तो इन्होंने कहाँ पर, ये स्क्वैश वाला गेम चल कहाँ पर रहा है, ये सेकिसुई ओपन चल रहा है क्रीन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो 3 साल पहले भी इन्होंने इसको जीता था पहली बार, तो अब दूसरी बार जीते कौन, महेश जो इंडिया के हैं। ठीक है, इसको
सैक्यूसुई ओपन है एक चैलेंजर, इजे चैलेंजर टूर इवेंट ऑफ प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। तो किसका कौन कंडक्ट करवाता है इसको? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, एक वर्ल्ड बॉडी है जो इसको क्या करती है, गवर्न करती है। ठीक है, किसको? स्क्वैश को। तो खैर ध्यान रखना स्क्वैश से संबंधित चीज़। एक तो ये सैक्यूसुई ओपन किससे संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। और भारत के खिलाड़ी ये भी पूछा जा सकता है, महेश मंगोनकर किससे संबंधित हैं? ये भी स्क्वैश से संबंधित है, ध्यान रखना, जो 2 बार जीत चुके हैं। एक है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 72 कैनन्स फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था फ्रांस में। 72 कैनन्स फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में कंडक्ट हुआ है, तो उसमें एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है पाल्मे डी ओर अवार्ड। पाल्मे डी ओर अवार्ड, तो पाल्मे डी ओर अवार्ड को किसको दिया गया है? एक साउथ कोरियन फिल्म है जिसका नाम है पैरासाइट। साउथ कोरियन फिल्म का नाम क्या है? पैरासाइट, जो कि किसने बनाई है? बोंग जून हूँ इसने बनाई है पैरासाइट। तो इस पैरासाइट मूवी को अवार्ड मिला है पाल्मे डी ओर अवार्ड, और ये पाल्मे डी अवार्ड अवार्ड दिया गया है कहाँ पर? कैनन्स फिल्म फेस्टिवल, कैनन्स फिल्म फेस्टिवल 72। ठीक है, कहाँ पर हुआ ये हुआ है फ्रांस में कंडक्ट हुआ है ये वाला, ठीक है, फेस्टिवल। अच्छा, अगला, आर्करी वर्ल्ड कप चल रहा है। आर्करी वर्ल्ड कप में जो इंडिया के 3 लोग हैं उनको कंबाइंड रूप से ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो वो 3 कौन कौन है? आर्करी का मतलब होता है ये धनुष से संबंधित, आपको पता है धनुष से संबंधित जो गेम होता है उसको बोलते हैं आर्करी। ठीक है, धनुर्विद्या या धनुष से संबंधित। तो आर्करी में 3 हमारे इंडियन है, टीम है एक अभिषेक वर्मा, रजत चौहान, अमित सैनी, इनको 3ों ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है रशिया के प्लेयर्स को हरा कर। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है ये आर्करी वर्ल्ड कप? कहाँ पर हो रहा है? अंटाल्या टर्की में हो रहा है। तो अंटाल्या टर्की कहाँ, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये वाली जो जगह है ये है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, और नीचे ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं जैसे यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। ठीक है, और ये है टर्की। तो टर्की में एक जगह है अंटाल्या, ये वाली जगह देख सकते हो अंटाल्या, यहाँ पर ये कंडक्ट किया जा रहा है वर्ल्ड आर्करी कप। ठीक है, आर्करी वर्ल्ड कप कंडक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो टर्की, टर्की के ऊपर ब्लैक सी है। ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टर्की, टर्की के ऊपर क्या है? ब्लैक सी, नीचे क्या है? मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, और टर्की के नीचे कंट्री, यहाँ पे साइप्रस, यहाँ पे सीरिया, तो इन कंट्रीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी पूछ लिया था कई बार मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन से कंट्री हैं। ठीक है, तो एक बार इनको देख लेना आप। अच्छा, अगला, स्वेरिंग इन सेरेमनी, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा राष्ट्रपति भवन में 30 मई 2019 को होगा। तो जिसमें क्या हुआ है अभी मतलब सेरेमनी में, कुछ देशों को इनवाइट किया गया है, बिम्सटेक के देशों को इनवाइट किया गया है। तो इसको मैं बताऊंगा किन किन को इनवाइट किया गया है, लास्ट में इसको मतलब हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इंडियन आर्टिस्ट नलिनी मालानी विंस जॉन्स मीरोज प्राइज फॉर 2019। ठीक है, तो जॉन मीरो प्राइज है वो किस फील्ड में दिया जाता है? आर्टिस्ट के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इंडियन आर्टिस्ट कौन है? नलिनी मालानी, इनको मिला है जॉन मीरोज प्राइज फॉर 2019। बहुत इंपॉर्टेंट है किसको मिला, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा प्राइज है, जॉन मीरोज प्राइज फॉर 2019 किसके नाम पर दिया जाता है? यह बार दिया था स्पेन के एक पेंटर और स्कल्पचर थे जिनका नाम था जॉन मीरो। तो वो 20th सेंचुरी के बहुत प्रभावशाली आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, तो उनके नाम पर ये दिया जाता है अवार्ड। कौन सा? जॉन मीरो प्राइज फॉर 2019 इस बार दिया गया हमारे इंडिया के नलिनी मालानी को दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सम्मानजनक अवार्ड है आर्टिस्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगला, पीएस गोले सोन इन सिक्किम एज चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर के नए, सॉरी, सिक्किम के अभी नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? पीएस गोले। पीएस गोले को कई बार इनका फुल फॉर्म है या पूरा नाम है प्रेम सिंह तमांग भी कहते हैं, या इनको पीएस गोले भी कहते हैं, तो एक ही बात है। तो सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर बन गए, पहले थे पवन कुमार चामलिंग, उनकी जगह पर अब ये कौन बन गए? पीएस गोले, या फिर इनको बोलते हैं प्रेम सिंह तमांग। तो सिक्किम के जो जो नए नए सीएम बने हैं इनको शपथ किसने दिलाई? शपथ दिलाई वहाँ के गवर्नर जिनका नाम है गंगा प्रसाद। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये जो है क्या कहते हैं पीएस गोले किस पार्टी से हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, एसकेएम से मतलब डील करते हैं, ध्यान रखना। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इसके प्रेसिडेंट हैं प्रेम सिंह तमांग, जिनको
मतलब ज़्यादातर नाम से जाना जाता है पीएस गोले से। तो उन्होंने 27 मई को ये क्या करेंगे, या मतलब 27 मई को इन्होंने शपथ ले ली है किसकी, सीएम की। ठीक है, तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। और सिक्किम असेंबली की सीट कितनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली की 32 सीट है। और यहाँ पर मेन दो पार्टी हैं, एक है एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, दूसरी है एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट फ्रंट। ठीक है, तो टोटल 32 सीट हैं, जिसमें से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को मिली है 17 सीट और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली है 15 सीट। तो ये सिक्किम डेमोक्रेटिक मोर्चा, सॉरी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये बनाने वाली है सरकार, और इसके सरकार बन भी चुकी है। ठीक है, पीएस गोले इनके क्या बन गए, सीएम बन गए, प्रेम सिंह तमांग भी बोलते हैं, और यहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हैं पीएस गोले। ठीक है, सिक्किम के, सिक्किम है कहाँ पर है भारत में, ये हमारा प्यारा भारत, ये है बंगाल, और ये है भूटान, और भूटान के पास ही यहाँ पर छोटा सा एरिया जो दिख रहा है ये है सिक्किम, और ऊपर ये चाइना। ठीक है, तो पड़ोसी देशों के भी नाम याद होने चाहिए आपको। और देखते हैं अच्छे मैप में, ये देख तो इंडिया का मैप है, यहाँ पर नीचे बांग्लादेश, ये है बिहार, बिहार के ऊपर ही छोटा सा एरिया दिख रहा होगा आपको, ये है सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, यहाँ दिखा रखी है। सिक्किम की बगल में यहाँ पर नेपाल है, ऊपर है चाइना, फिर यहाँ पर है भूटान। ठीक है, तो तीन देशों से ये घिरा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन देश इसके बॉर्डर में। और सिक्किम के नीचे ये येलो येलो वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल है, और देखते हैं इसको जूम इन करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बिहार, नीचे वेस्ट बंगाल, यहाँ पर तो आपको पता ही नेपाल है, और यहाँ पर भूटान है, और ये वाला एरिया है सिक्किम। ठीक है, और नीचे ये वाला दिखा रखा है जो एरिया, ये वाला एरिया है बांग्लादेश। तो देखो इतनी पत छोटी सी जगह, इतनी जगह जो क्या करती है सिक्किम मौके, मतलब यहाँ पे जो जगह जा रही है ये वेस्ट बंगाल वाली जगह है, ये येलो येलो वाला पोर्शन है, क्या वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर कट हो जाए तो हमारा इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ये पूरी तरह से कट हो जाएंगे। तो ये जो पतला सा स्ट्रेच दिखा रखा है यहाँ पर, छोटा सा जो नैरो स्ट्रेच दिखा रखा है वेस्ट बंगाल वाला, इसको बोलते हैं सिलगुड़ी कॉरिडोर। और ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से, यहाँ पे देख लो, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो और इसको जूम इन करके और देखते हैं, तो ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे छोटी सी जो जगह, इसको बोलते हैं चिकन नेक भी बोलते हैं, या सिलगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पर डिस्प्यूट भी हुआ था, आपको बताओ तो, कुछ कुछ दिन पहले चाइना के साथ डोकलाम इशू। ठीक है, तो ये दिखाई देता हूँ मैं डोकलाम इशू। तो देखो ये हो सिक्किम हो गया, और जूम इन कर दिया है, और ये छोटी सी जगह जो मैंने बताई थी, इसको बोलते हैं सिलगुड़ी कॉरिडोर, वेस्ट बंगाल में ही है। और यहाँ पे सिक्किम है, ये नेपाल है, ये भूटान है, भूटान है, और ये अपना ये इधर चाइना है। तो तीन चार देश इस जगह पे, तो ये जगह विवाद कहाँ पे हुआ था, विवाद हुआ था इस जगह पर। ठीक है, जिसको बोलते हैं डोकलाम प्लेट्यू। तो डोकलाम प्लेट्यू जो कि मतलब चाइना उधर ही है, हमारे यहाँ पर नहीं आता, यहीं पर एक चुंबी वैली भी है, ध्यान रखना। तो डोकलाम प्लेट्यू पर यहाँ पर विवाद हुआ था इंडिया चाइना का, पता ही आपको, दोनों देशों की सीमा जो सेनाएँ थी वो भिड़ गई थी, एक दूसरे के आमने सामने हुई थी, मगर युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो सिलगुड़ी कॉरिडोर है वो भी कहाँ पर है, यहीं पर है सिक्किम के नीचे यहाँ पे, जो कि वेस्ट बंगाल में, और 17 किलोमीटर वाइड है, बहुत छोटा सा नैरो एरिया है। ठीक है, बहुत क्रिटिकल भी है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में सेकंड टाइम सीएम बनने वाले हैं पेमा खांडू, पेमा खांडू करंट में भी सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, और 29 मई को ये भी शपथ लेंगे किसकी, सीएम की, दोबारा से सीएम बनेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ध्यान रखना। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 41 सीट मिली है। ठीक है, 60 सीट यहाँ टोटल है, यहाँ पर जो यहाँ की असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल 60 सीट है, 60 में से 41 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और ये दोबारा से सरकार बनाने वाली है अरुणाचल प्रदेश में सेकंड टाइम दोबारा। ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बीडी मिश्रा। ठीक है, अगला, बिमस्टेक लीडर्स इनवाइटेड टू पीएम डेजिग्नेट मोदी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी, मतलब जो बिमस्टेक के लीडर्स हैं उनको मोदी जी की जो शपथ ग्रहण समारोह उसके लिए इनवाइट किया गया है, साथ के साथ में इसके साथ और किसको इनवाइट किया गया है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके अभी करंट में जो चीफ हैं, इनकी प्रेसिडेंट कौन है करंट में, इसके प्रेसिडेंट हैं किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है सूरोनबाय जीन वे कॉब, सूरोनबाय जीन वे कॉब, ये प्रेसिडेंट हैं करंट में, प्रेसिडेंट हैं किसके, क्या कहते हैं किर्गिस्तान के, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके भी चीफ हैं। तो इनको भी मतलब इनवाइट किया गया है कहाँ पर, प्रधानमंत्री की ओथ टेकिंग सेरेमनी में, साथ ही साथ में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनॉथ को भी इन्वाइट किया गया है। ठीक है, तो बिमस्टेक एक बार देख लेते हैं, बिमस्टेक क्या है, तो बिमस्टेक में 7 देश आते हैं,
भारत, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये सातों के सातों देश आते हैं किसमें, बिम्सटेक में। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये सारे के सारे देश आते हैं बिम्सटेक में। तो कई बार पूछा जा सकता है कि बिम्सटेक में कितने कंट्री आते हैं, सात। तो इन सात कंट्रीज के, अब इंक्लूडिंग इंडिया, तो इन बिम्सटेक के बचे छः, छः के छः मेंबर यहाँ पर मोदी जी की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बिम्सटेक की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, तो बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी कंट्री आते हैं इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, आपस में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ठीक है, आपस में एक दूसरे के कल्चरल एक्सचेंज करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ग्रुप बनाया गया बिम्सटेक। ध्यान रखना इसमें पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, एज वेल एज चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। तो सात देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये सात एक साथ मेंबर हैं बिम्सटेक के। बिम्सटेक में स्टार्टिंग में फाउंडिंग मेंबर कौन थे इसको बनाने वाले, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, ठीक है। और बिम्सटेक की जानकारी देखते हैं, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिस जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे देश कहाँ पर हैं, ये एक तो साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, ये इन सारे देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया गया 1997 में बैंकॉक, बैंकॉक में बनाया गया था, ठीक है, कब बना, कहाँ पर बनाया गया था, बैंकॉक में बनाया गया था 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर है ढाका, और ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में, आपको पता ही ये हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ ढाका में अब बिम्सटेक का क्या है हेडक्वार्टर है, ठीक है। किन किन क्षेत्रों में ये अपना मतलब एक दूसरे के कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फिशरीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल्स, लेदर, इन सारे फील्ड में एक क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं बिम्सटेक कंट्रीज। इंडिया के लिए कैसा प्लेटफॉर्म है, इंडिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान और चाइना को क्या करता है, बाईपास करता है, क्योंकि दोनों के दोनों देश नहीं है, बाकी देशों के साथ इंडिया क्या कर सकता है, अपने आप के रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है और शो कर सकता है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। आपको पता है इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट है, मतलब इंडिया पहले अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको ज़्यादा प्रीफ्रेंस देगा, बाद में किसी और दूसरे को, और दूसरी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इन दोनों पॉलिसीज को भी इंडिया यहाँ पर दिखा सकता है, बता सकता है कि भाई आप हमारी नज़र में सबसे पहले हो, पर जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी पर हैं। तो ठीक है, बिम्सटेक के बारे में इतने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म क्या है, कब बना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और बिम्सटेक के मेंबर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी आने वाले हैं, साथ ही साथ में मॉरिशस के प्रेसिडेंट और कहाँ के प्रेसिडेंट, किर्गिस्तान के भी आने वाले हैं। तो एक टॉपिक और है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है सोइंग सीजन से पहले, रबी की क्रॉप से पहले और खरीफ की क्रॉप से पहले, ये सरकार द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि भाई हम, जैसे मान लो गेहूँ के लिए डिक्लेयर कर दिया कि हम 2000 रुपये के हिसाब से पर, मतलब 100 किलो गेहूँ, सपोज 100 किलो गेहूँ को 2000 रुपये में हम खरीदेंगे, तो ये सरकार ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब मार्केट में आप गेहूँ बेचने जा रहे हो तो वो वहाँ पे ले रहे हैं 1800 रुपये में, ठीक है, तो आप वहाँ पे ना बेच के सरकार को बेच सकते हो 2000 में, तो सरकार इंश्योर करती है किसानों को कि भाई हम तो आपकी फसल को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो मतलब एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मतलब सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर की जाती है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, बिफोर सोइंग सीजन, और सरकार की जो एजेंसी है वो इसको क्या करती हैं, खरीदती हैं, किसको, जो मतलब फार्मर के जो प्रोड्यूस होते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो अभी एक रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी आपने, ओरछा टाउन, ओरछा टाउन मध्य प्रदेश में, उसको यूनाइटेड जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर लिया गया है, किसको, ओरछा टाउन ऑफ मध्य प्रदेश को इंक्लूड कर लिया गया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, किसमें, यूनाइटेड नेशन यूनेस्को में, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ओरछा टाउन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक तो ये बेतवा रिवर जो है उसकी किनारे पर बसा हुआ है, निवारी डिस्ट्रिक्ट है, बुंदेलखंड रीजन में आता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हो गई बेतवा रिवर के किनारे पर, निवारी डिस्ट्रिक्ट में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में है ये ओरछा टाउन, ठीक है। इसको बनाया गया था किंग रुद्र प्रताप, बुंदेल डायनेस्टी के जो किंग थे रुद्र प्रताप, उन्होंने इसको बनाया था, बसाया था 16th सेंचुरी में, ठीक है। इसका योग महत्व क्या है, ये जो टाउन है, द टाउन इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स रिच एंड एंशियंट आर्किटेक्चर ऑफ, यहाँ पर कई सारी चीज़ें, देखो क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर एक चतुर्भुज टेम्पल है,
ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, राजा महल है, ठीक है, ये कई सारी चीज़ें, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ में यहाँ पे दो बड़ी बड़ी मीनार भी हैं, उठी हुई मीनारें हैं, सावन और भादों, दो यहाँ पे मीनार हैं। चार यहाँ पे महल हैं, जहांगीर महल, राय प्रवीण महल, राजा महल, शीश महल, ठीक है। तो चार महल, दो मीनार, सावन और भादों, और यहाँ पर श्री राम राजा मंदिर भी है, ठीक है, श्री राम राजा मंदिर भी है। और ये इंडिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है, राजा की तरह, ना कि देवता की तरह, भगवान की तरह नहीं पूजा जाता है राजा को, मतलब भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है, ना कि देवता की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओरछा टाउन के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट। वो ओरछा टाउन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, किस में ऐड किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और सावन भादो, दो यहाँ पे मीनार हैं, चार यहाँ पे महल हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।